तो वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की है। मनरेगा के कार्यों से गांव में खेती को उन्नत बनाने पर चर्चा की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनरेगा रोजगार से जोड़ने पर बात हुई है। रोजगार मूलक कार्यों से गांव में कृषि की स्थायी परिसंपत्ति निर्माण पर बातचीत की गई है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सीएम बघेल को फोन पर इस बात को लेकर चर्चा की है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने छत्तीसगढ़ के सीएम से बातचीत की है। मनरेगा के कार्यों से गांव में खेती को उन्नत बनाने पर बातचीत की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप के जरिए 1,11,568 प्रवासी मजदूरों के बैंक अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराने का आगाज किया। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए अभी भी पोर्टल ओपन है, वो भी अपना अप्लाई कर सकेंगे और उनको भी राशन मिलेगा। देखिए, वैसे तो हम लोग कई माध्यम से अनाज दे रहे हैं, दीदी किचन भी चल रहा है, अनाज भी खाने के लिए भी, जिनके पास कोई भी उस जगह पर जा सकता है। और इसकी के लिए एक हमारे पास डाटाबेस भी तैयार होगा, इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लोग अप्लाई भी करें और सरकार से अनाज भी लें। और देश में जो संक्रमण से जूझ रहे हैं लोग, एक खबर और भी है कि आज इस संक्रमण की घड़ी में हमारे राज्य के पुलिस कर्मियों ने इस राज्य को 10 करोड़ रुपया का 8 करोड़ रुपया का सहायता राशि राज्य सरकार को दी है अपने वेतन मद से। और उसी प्रकार आज डेंटल ट्यूटर रिम्स के लोगों ने भी 51,000 रुपीज़ का राहत राज्य सरकार के रिलीफ फंड में देने का काम किया है। उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। करते हैं और निवेदन भी करना चाहेंगे कि आप सभी को पता है ये राज्य अत्यंत पिछड़ा है, यहाँ गरीबों की संख्या अधिक है, मजदूरों की संख्या अधिक है, बेरोजगारों की संख्या अधिक है। और जो संभ्रांत लोग हैं उन सब लोगों से मेरा आग्रह भी है, हमने अखबारों के माध्यम से भी, पत्रों के माध्यम से भी, कई लोगों को पत्र भी लिखा है कि राज्य के राहत कोष में आप लोग अपना योगदान दें ताकि आज इस संक्रमण की घड़ी में बेरोजगारों को, कमजोर निरीह लोगों को सरकार मदद कर सके, चाहे वो भोजन के रूप देने के, भोजन खिलाने के रूप में हो, चाहे वो अनाज वितरण के रूप में हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा के रूप में हो। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता कल्याण मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ से भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 31.11 लाख मैट्रिक टन की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि वर्तमान में कोविड-19 वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन से देश के अन्य राज्यों में भी चावल की आवश्यकता उत्पन्न हुई है, जिसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम द्वारा अप्रैल 2020 में लगभग 92 रेक मूवमेंट के द्वारा अन्य राज्यों में खाद्यान्न परिवहन किया गया, जिससे राज्य में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पर्याप्त रिक्त स्थान उपलब्ध है। बघेल ने पत्र में लिखा कि राष्ट्रव्यापी महामारी के संक्रमण की रोकथाम और इसके बचाव के हेतु राज्य सरकार द्वारा पूरी सजगता से समेकित और संवेदनशील प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य में भी लॉकडाउन प्रभावी किया गया, जो अनवरत है। इस लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, जिससे लोगों को राहत मिले। बघेल ने पत्र में लिखा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन से देश के साथ साथ
राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी विपरीत परिणाम परिलक्षित हो गए। ऐसी स्थिति में यदि राज्य में उपलब्ध सरप्लस चावल का समुचित निराकरण नहीं हो पाता है तो राज्य को लगभग 1500 करोड़ रुपए की हानि संभावित होगी, जो इन विषम परिस्थितियों में राज्य के आर्थिक विकास की गति पर विपरीत प्रभाव डालेगा। बघेल ने इन परिस्थितियों में केंद्र मंत्री पासवान से खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ से भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख टन से बढ़ाकर 31.11 लाख टन अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। तो भाई मथुरा में बृहस्पतिवार की शाम को पुलिस को शालीमार रोड पर शालीमार पेट्रो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के संचालन की सूचना दी गई। इंस्पेक्टर आजाद पाल सिंह सिटी इंचार्ज धीरज गौतम ने फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस को मौके पर 8 मजदूर मिले। ये मजदूर मथुरा, आगरा और पूर्वी यूपी के हैं। इनके अलावा 2 टैंकर चालक क्लीनर भी पकड़ा गया। टैंकर को सीज कर दिया गया। SP ग्रामीण श्रीचंद्र ने बताया फैक्ट्री मालिक विकास पौदार के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज की गई है। खबर अमेठी से है, जहां क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण DM अरुण कुमार ने किया है। आपको बता दें लोगों की देखभाल के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। खाने की गुणवत्ता की जानकारी ली गई है। तिलोई में स्थित 200 शैया हॉस्पिटल में बने क्वारंटाइन सेंटर का DM अरुण कुमार ने औचक निरीक्षण किया है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन का ऐलान किया। ऐसे में लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए महाराजगंज में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सड़क पर निकले। सड़क पर बिना मास्क और 2 लोगों के बाइक पर बैठने वालों की जमकर क्लास लगाई गई। जुर्माना वसूला गया। प्रशासन ने आज से मिलने वाली छूट में भी 2 घंटे की कटौती की गई है। अब जिले में आम लोग 10 बजे तक ही बाजारों में निकल पाएंगे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां कल डिलीवरी के लिए आई प्रसूता कोरोना पॉजिटिव निकली है। 100 सैया हॉस्पिटल कर्मचारियों ने हंगामा काटा। कहा डिलीवरी के समय ही महिला संदिग्ध थी, नहीं बरती गई सावधानी। संपर्क में आए लोगों की जांच में स्वास्थ्य महकमा यहां जुटा हुआ है। तो फिरोजाबाद से यह खबर है, जहां कल डिलीवरी को आई प्रसूता कोरोना पॉजिटिव निकली है। 100 सैया अस्पताल के कर्मचारियों ने जोरदार हंगामा काटा है। तो वहीं बस्सी में कोरोना के 3 नए मामले मिले हैं। कोरोना के अब तक जिले में 23 मामले हैं। 1 मरीज की मौत हो चुकी है। बस्सी जिले में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। तो वहीं जौनपुर में लॉकडाउन का पालन ना करने वाले घुमंतू लोगों पर प्रशासन ने अपना हंटर चलाया है। 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। शहर में आज मुख्य विकास अधिकारी अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन का एक अमला सड़क पर बिना किसी कारण के टहलने वाले घुमंतू लोगों पर कार्रवाई कर रहा था। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि बिना मास्क और बिना किसी कारण के चलने वाले 58 लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और कई चालान भी काटे गए हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस कर्मचारियों ने बड़ा हादसा टाला है। खुद की जान जोखिम में डालकर हादसा टाला। मंडी समिति के पास में लगी आग को बुझाया। मौदहा कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तो आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि पुलिस की पूरी टीम यहां आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है। किस तरीके से पुलिस प्रशासन आग बुझाने में जुटा है, अपनी जान को जोखिम में डालकर। बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन इस हादसे को होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने टाल दिया है।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान जनता के लिए ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मचारियों पर लोगों ने फूलों की वर्षा करके उनका उत्साहवर्धन किया है। पुलिस कर्मचारियों का यह सम्मान भदोही जिले के चौरी में किया गया। ड्यूटी निभा रहे कोरोना वॉरियर्स पर चौरी बाजार के व्यापारियों ग्रामीणों द्वारा फूलों की वर्षा करके उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान सड़क किनारे खड़े लोग अपने अपने घरों की छतों पर पुलिस पर फूलों की वर्षा करके उनका हौसला और सम्मान भी बढ़ाया। लॉकडाउन का पालन करिए भैया, लॉकडाउन का बढ़िया पालन करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की सेवा में। देखो ये पत्रकार मीडिया सब आ जाओ, जितने भी यहाँ पे पुलिस अधिकारी, जितने भी यहाँ पे डॉक्टर जो इतनी गर्मी में आज हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उनके लिए, उनके सम्मान के लिए हमने उनके लिए सिर्फ 10 मिनट निकाला है, जो कि वो सब हमारे लिए 24 घंटे इस कड़क धूप में मेहनत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा सम्मान हर जगह पूरे। लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोग घर थे, और हमारे पुलिस और डॉक्टर अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर अपने मतलब ईमानदारी ड्यूटी निभा रहे हैं। ये सबको देखते हुए और क्या बोलते हैं, कोरोना से लड़ के परिवार छोड़ कर अपने आया पे ड्यूटी निभा रहे हैं, उन लोग के सम्मान के लिए हम लोग आज फूलों की वर्षा किए, और बहुत खुशी है आप लोग को। जी बहुत खुशी है, हमारे पूरे बाजार वासियों ने मिल के सब किया है, और हम लोग बहुत खुशी है, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। और आप देख रहे हैं, जब से ये कोरोना चला है तब से हमारे लिए बहुत ही चुनौतियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि अपने आप को भी कोरोना से बचाना है और जनता को भी बचाने के लिए निर्देश हम देते हैं, और जिसको कोरोना है उसको भी हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से जो है, एक छवि पहले पुलिस की थी कि अच्छी पुलिस की छवि नहीं है, आज जनता ने ये चौरी में साबित कर दिया है। सभी पुलिस जनों पे हम लोग यहाँ गश्त कर रहे थे और वाहन चेकिंग कर रहे थे, तो फूलों की बारिश कर करके ये साबित कर दिया है कि पुलिस को जो खराब बताते हैं, अच्छा नहीं बताते हैं, कि वो कितनी अच्छी है। खबर बस्ती से है, जहां सांसदों की तर्ज पर विधायकों की निधि भी दान में देने की मांग की गई है। सरकार को विधायक भी 2 साल अपनी निधि दान में सौंपे। समाजसेवी राणा दिनेश प्रताप सिंह ने सीएम को पत्र लिखा, देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए अपना योगदान दें एमएलए, इंसानियत को बचाने के लिए आगे आए विधायक। यूपी सीएम से विधायक निधि पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। तो बागपत में एक गाय ने जुड़वा गौवंशों को जन्म दिया है। दोनों गौवंशों के नाम भी रखे गए हैं। पहले गौवंश का नाम कोरोना और दूसरे का नाम लॉकडाउन रखा गया है। गौशाला में इस गाय ने एक साथ 2 गौवंशों को जन्म दिया। पूरी तस्वीर बागपत के खट्टा प्रहलादपुर गांव की है। तो वहीं कुशीनगर के बिहार सीमा से सटे कुशीनगर के बरवा पट्टी थाना क्षेत्र के रामपुर पट्टी गांव में रहस्यमयी पक्षी मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। पक्षी के शरीर में जीपीएस मॉनिटर लगा हुआ है। पक्षी पर अंग्रेजी के C3 अक्षर का टैग है। आज पक्षी को देखने के बाद में ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग की टीम को सूचना दी। पक्षी को ग्रामीणों ने जाल से ढक दिया है। तो वहीं देशभर में बढ़ते कोरोना वायरस से जंग लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन के साथ में सामाजिक संस्थाएं भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में सहारनपुर के थाना बेहट पुलिस ने भी हेल्पिंग हैंड नामक सामाजिक संस्था के साथ मिलकर बेहट के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर गाने के माध्यम से घरों में रहकर इस विशालकारी महामारी से लड़ने में सहयोग के साथ ही अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। इस मौके पर थाना बेहट के SI सतवीर अत्री ने कहा है कि पुलिस लोगों की सहायता के लिए है, लोग इस खतरनाक बीमारी की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन
लॉकडाउन के चलते सरकार की जो गाइडलाइंस थी, तो बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे एरियोज में, बहुत सारे महलों में पुलिस की सख्ती के बाद, प्रशासन की सख्ती के बाद भी लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा था। पुलिस भी अपना काम सतर्कता के साथ कर रही है, लेकिन आज हेल्पिंग हैंड मिशन ने उन इलाकों को चुन करके उनमें एक जागरूकता प्रोग्राम चलाया है, जिसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से रमज़ान को लेकर के जो गाइडलाइंस थी, जैसे नमाज, तरावी सब अपने घरों में पढ़ेंगे, मस्जिदों में इकट्ठा नहीं होंगे, या कहीं इकट्ठा होकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे, तरावी अदा नहीं करेंगे, तो सारी चीज़ें उनको एक अपील के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचाया गया और एक गाने के माध्यम से भी लोगों। तो वहीं लखनऊ में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। लापरवाह चंदन हॉस्पिटल में मरीज एडमिट पर रोक लग गई है। कोरोना मरीज का इलाज करने वाले सभी डॉक्टर्स को क्वारंटाइन किया गया है। हॉस्पिटल स्टाफ की लिस्ट लखनऊ प्रशासन को भेजी गई है। कोरोना मरीज का इलाज करने वाले स्टाफ की सूची तलब की गई है। मामले में लखनऊ प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। और हमारे जितने भी स्टाफ पेशेंट की डायरेक्ट केयर में इन्वॉल्व थे, उनका हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद जैसा भी सीएमओ ऑफिस से हम लोग को आदेश मिलता है उसको फॉलो करेंगे हम लोग। खबर सुल्तानपुर से, आज अयोध्या से सुल्तानपुर कोरोना पॉजिटिव युवती लाई गई है। दरअसल गर्भवती महिला के परीक्षण के बाद में जांच रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद में गर्भवती महिला को इलाज के लिए सुल्तानपुर लाया गया। महिला को कोड़वार के सीएचसी L1 हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। हमारे संवाददाता संतोष पांडे ने डीएमसी इंदुमती से खास बातचीत की है, सुनिए। कल रात, देर रात 1 बजे के बाद हम लोगों को पता चला कि अयोध्या में एक गर्भवती महिला है, वो अपना छत्तीसगढ़ से वो अयोध्या आई है। तो उनका रूटीन चेकअप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था, तो तब 18 तारीख गई थी और 20 तारीख उनको, कल रात उनको ये पता चला कि उनको पॉजिटिव आया है, वो जो लैब टेस्ट के माध्यम से। तो फिर तत्काल उसके बाद जिला प्रशासन से हम लोगों को भी सूचना आई थी। एंड ये इस तरह की पॉलिसी चलती है कि जहाँ ऑलरेडी मंडल के अंदर L1 कोविड हॉस्पिटल जहाँ चल रहा है, तो वहीं पर मंडल के अंदर के जो पेशेंट्स को रखने के लिए एक निर्देश है, ताकि जो हमारे जो L1 कोविड हॉस्पिटल का जो प्रॉपर रिसोर्सेज है और मैन पावर्स है, तो प्रॉपरली हम फुलफुली यूटिलाइज कर सकें। तो रातों रात वो गर्भवती महिला को यहाँ शिफ्ट किया गया है। उनका जो स्टेटस है एसिम्प्टोमेटिक है, उनको इस तरह की कोई काशी और कोई किसी तरह के लक्षण है नहीं। शी इज़ परफेक्टली सेफ। उनका पेट का जांच वगैरह भी हमारे जो डॉक्टर्स के माध्यम से किया जा रहा है। वो थोड़ा टेंशन में थी, तो इसलिए अब उनको साइकोलॉजिकल मोटिवेशन है, उसके लिए भी हमारे जो नर्सेस को अंदर भेजकर हम लोग करवा रहे हैं। अब शी इज़ परफेक्टली सेफ। कल या परसों दोबारा उनका सैंपल ले लिया जाएगा और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो आज की तारीख में हमारे जो सुल्तानपुर L1 कोविड हॉस्टल में 2 लोग हैं, एक सूडानी है और एक अयोध्या से रेफर्ड पॉजिटिव पेशेंट है। एंड सुल्तानपुर का जो पहला फर्स्ट केस था सुभाष चंद्र शर्मा, तो वो लखनऊ में एडमिटेड है एंड वो ही इज आल्सो परफेक्टली फाइन। तो दिल्ली से मिली सूचना के आधार पर नोएडा पुलिस की तत्काल कार्रवाई। दिल्ली से भागे कोरोना मरीज को नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें, झुंडपुरा चौकी पर एसीपी अरुण कुमार ने गाड़ी को रोका। नोएडा के स्वास्थ्य विभाग को सौंपा कोरोना मरीज। न्यूज वन इंडिया ऐसे जाबाज पुलिस वालों को सलाम करता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना मरीज को सौंप दिया है पुलिस की टीम ने। न्यूज वन इंडिया ऐसे जाबाज पुलिस वालों को सलाम करता है। तो दिल्ली से मिली सूचना के आधार पर नोएडा पुलिस की तत्काल और बड़े पैमाने की कार्रवाई सामने आई। दिल्ली से भागे कोरोना मरीज को नोएडा में पुलिस ने पकड़ लिया है और पकड़कर झुंडपुरा चौकी पर एसीपी अरुण कुमार ने गाड़ी को रोका है। साथ ही आपको बता दें, नोएडा के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के मरीज को सौंप दिया गया है। तो न्यूज वन इंडिया ऐसे जाबाज पुलिस वालों को सलाम करता है, जो तत्काल इतनी बड़ी लापरवाही पर इतने बड़े पैमाने की कार्रवाई तुरंत सामने आ चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झुंडपुरा चौकी पर एसीपी अरुण कुमार ने गाड़ी को रोका था। नोएडा के स्वास्थ्य विभाग को सौंपा कोरोना मरीज और वो मरीज वहां से भागा था। न्यूज वन इंडिया ऐसे जाबाज पुलिस वालों को, जो अपनी जान पल खेर कर लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें सलाम करता है।
बहराइच में बनाया गया हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन, तैनात किए गए मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी। कोरोना वायरस का एक एक केस मिलने पर कार्रवाई, भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत अधिकारी तैनात किए गए। डीएम शंभू कुमार ने जोन के अधिकारियों को तैनात किया है। कोतवाली नानपारा के ग्राम सरैया माघी अमरैया बंजरिया थाना कोतवाली देहात का ग्राम केशवापुर थाना रामगांव अंतर्गत फतेहपुरवा में कोरोना वायरस से एक एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के कारण जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार ने संबंधित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने और बचाव के साथ नियंत्रण किए जाने के उद्देश्य से इन सभी गाँव और मोहल्लों और उसके आसपास के क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किया है। आपको बता दें, इस अवधि में संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति अपने घरों पर रहेंगे। उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत में दंड के भागी होंगे। गुलाम अलीपुरवा में महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने से इस क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से सील किया गया है। इस क्षेत्र में लगभग 1200 से अधिक मकान है जिनमें रहने वालों की संख्या लगभग 9000 के आसपास है, जिसे पूरी तरीके से सील किया गया। बहराइच से शशांक सिन्हा की रिपोर्ट देखिए। मात्र एक महिला कोरोना संक्रमित मिलने से, और वो भी उनकी ही गलती से, जो दिल्ली जाकर के उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया और वहाँ से वो इस मर्ज को लेकर बहराइच में। हम इस समय खड़े हैं गवर्नमेंट वाले बहराइच में, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक क्लास चल रही है। ये क्लास और नहीं कि ऐसे लोगों की क्लास है, ऐसे जिनको यहाँ पर ये बताया जा रहा है खुला है। इसमें जो महिला मिली उनको तो फिलहाल प्रशासन ने अपने सेफा से ले जाकर के उनको क्वारंटाइन करा दिया गया है। हम पहला जारी है, लेकिन उनके द्वारा इतने काफ़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए, उसको देखते हुए यहाँ पर स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है कैसे आप प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है कि अब घर घर जाकर लोगों की जांच होगी, घर घर जाकर लोगों की जांच होगी, और उस जांच में ये सुनिश्चित किया जाएगा, सबकी जांच की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब ये वायरस और स्प्रेड ना हो। हमारे साथ इस ट्रेनिंग के नोडल अधिकारी डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरी प्रक्रिया, क्यों एक्सरसाइज की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पी के वर्मा है, मैं नोडल आपन हूँ। और जो है ये जहाँ पे पॉजिटिव केस निकला है उस एरिया के 1 किलोमीटर को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। चारों तरफ से घेर दिया गया है, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, कोई बाहर से अंदर नहीं आएगा, अंदर से बाहर नहीं जाएगा। और उसमें जो है हेल्थ टीमें लगी हैं, 15 हेल्थ टीमें लगी हैं, जिसमें 3 मेंबर हैं, एक आंगनबाड़ी एनम और जो है एक शिक्षक लगे हुए हैं। और ये घर घर जाके जो है इनकी स्क्रीनिंग करेंगे कि और जगहों पे कहीं कोई अगर सिम्टम वाला व्यक्ति मिलता है तो उसको तुरंत से जो है क्वारंटाइन किया जाए और उसकी जांच कराई जाए। और ये जो है ट्रेनिंग इसी दी जा रही है, ट्रेनिंग ये इसी से दी जा रही है कि कैसे वो घर घर जाके क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्या क्या चीज़ें जो है जैसे निकल के चीज़ें आ जाएँ कि उस क्षेत्र में कोई और अन्य संक्रमित ना हो। ये थे डॉक्टर पी के वर्मा, जिन्होंने लीगल इंडिया से बात करते हुए बताया कि यहाँ ये जो अर्बन एरिया में जो परिविधा है, अब इन लोगों को एक बड़ा टास्क मिल गया है कि जिस क्षेत्र में इनकी ड्यूटी की, वहाँ आप बता जाएंगे लगभग 1200 मकान हैं और उनमें अगर लोगों की संख्या देखी जाए तो लगभग 9000 के करीब लोग होंगे जिनको ये टीम, ये पैरामेडिकल स्टाफ की टीम है, जाएंगे घर घर जाएंगी और उनको हर एक व्यक्ति को ये जांच करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगी कि किसी को ये वायरस है तो नहीं, और अगर है तो उनको प्रॉपर जगह पर ले जाकर करके उनका इलाज किया जा सके। शशांक सिन्हा, न्यूज़ वन इंडिया, बहराइच। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।